हेलो नमस्ते गेम शो का सगाई, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज मैं भाविक यश पीछे देखो, हेलो, और हमारे दो पीछे और दो लड़की प्रियल और निधि, हम सब जा रहे हैं मूवी देखने और वो है आदि पुरुष। आदि पुरुष मूवी की हम सब ने बहुत सारी तारीफ सुनी थी उसका फर्स्ट टीजर आने के बाद, तो हम लोग को अंदर से क्यूरियोसिटी हो गया और चुल मची कि भाई चलो मूवी देखने जाते हैं। तो अभी बस पहुँच गए ग्रोवर्स मॉल में और 3D में देख रहे हैं मूवी। और यश, तुझे क्या लगता है, तेरे एक्सपेक्टेशन से कैसी रहेगी मूवी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी से? देखा अभी जैसे अगर बोलने जाए हम लोग की रिव्यूज़ के हिसाब से तो रिव्यूज़ मेरे को इतने ठीक नहीं लग रहे, बट अगर देखते हैं अभी अंदर जाके क्या एग्जैक्टली है, क्योंकि सब चीज़ भी माननी नहीं होती है। देखते हैं, अभी सब लोग बोल रहे कि ये मूवी के अंदर VFX मेन तो VFX है, तो VFX ने क्या कमाल दिखाया उसके फर्स्ट टीजर आने के बाद। भाविक तुझे क्या लगता है, VFX इम्प्रूव हुए रहेंगे या नहीं इम्प्रूव हुए रहेंगे? उतना नहीं लगता है, थोड़े बहुत हो सकते हैं। देखते ही देखते प्रियल को भी चश्मा आ गया। चश्मा नहीं आया, चश्मा आ गया, थोड़ा है बट कम है, तो उसको वो ही बोलते हैं चश्मा आ गया। कैसा दिख रहा है? अच्छा लग रहा है, ब्लू लें वो तुझे है ना? नहीं पूछ रहा हूँ भाई, लो आप लोग बताओ कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। और हमारे साथ नियति भी जुड़ चुके हैं आज, हाँ बहुत सालों के बाद। और अभी ये अंदर हम लोग को ले नहीं रहे बिकॉज वो लोग बोल रहे हैं अभी 9:45 हुए और 10:15 का शो है, तो 10 बजे हम लोग आपको अंदर लेंगे। गर्मी से हालत बहुत गंदी वाली ख़राब हो रही है, मूवी ख़त्म होने दो, उसके बाद हम लोग आपको मस्त वाला रिव्यू देते कि मूवी देखने जैसी है देखने जैसी नहीं है, आपका बेस्ट। तो अभी अपना एंट्री हो गया है अंदर फाइनली, और अब भी टाइम है आदि पुरुष देखने का, बस 15 मिनट का टाइम बाकी है और वी आर गुड टू गो। तो फर्स्ट पर दे, सेकंड पर जस्ट ब्लू, the enemy looking in the mirror if he is no friend to me, it's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me। हां तो अभी एंट्री हो रही है, चश्मा भी ले लिया अपना है, जी जे किधर है, जे 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 एच जे 16 अपना इधर से, मैं इधर बैठ गया, Thank you for choosing PVR. Your safety is our priority. Thank you. Kindly follow the exit routes shown here in case of an emergency. Okay. Do not panic. Our staff will assist you. तो मैं भी कुछ ऐसा ट्राई करता हूँ, बिकॉज मैं चश्मे निकल के कर रहा था लाइट से, अभी आप मेरे को नहीं पता आपको मेरा कितना आवाज़ आ रहा है। क्यों खुश था जे? अभी चश्मा निकाल। अभी इंटरवल होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। दोपहर के 2 बज गए हैं और अपना आदि पुरुष देख के हो गया। तो भाई लोग कैसे लगा मूवी? अरे अभी ठीक है, मतलब वन टाइम वॉच है, ज़्यादा वो वाव वाव जैसा मूवी नहीं है। दो से तीन चीज़ें जो ये लोग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, तो मतलब पहले तो ये गाने 5 से 6 गाने डाले थे विदाउट रीज़न, 2-3 गाने तो डाले थे, अगर 2-3 गाने वो डाले उससे अच्छे जो एक्चुअल में जो हुआ था, अगर वो 2-3 सीन वहाँ पे बता देते तो वो अच्छा रहता और देखने को भी पब्लिक को मज़ा आता। अग्री करते हो कि नहीं? 100%। अरे मतलब कुछ सीन चल रहा है और अचानक से गाना आ जा रहा है, मतलब क्या है भाई। और गाना तो छोड़ो, फिर अपना जो क्लाइमेक्स वाला सीन था, जो फाइटिंग वाला, पूरा अंधेरे में शूट किया था, पूरा अंधेरे में हम लोग ढूंढ रहे थे भाई मार के कौन किसको मार रहा है पूरा अंधेरा था वहाँ पे। यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखा था वहाँ पे, देखो अब थोड़ा बहुत आइडिया आएगा आपको, पूरा अंधेरे में वो फाइटिंग वाला सीन शूट किया था वो लोग ने। और जो मतलब वाल्मीकि रामायण है उससे तो भाई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। और सबसे भयंकर भाई जो एकदम भयानक लगा वो था डायलॉग्स भाई, जो डायलॉग थे ना भाई, भाई वो डायलॉग पता है क्या? जब वो हनुमान लंका जाने जलाने के जा रहे थे, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, लंका तेरे बाप की, लिटरली डायलॉग है और ये सारे डायलॉग्स मूवी के अंदर है। तो मतलब क्या, मतलब क्या बनाना क्या चाहते हो लोग मुझे समझ में नहीं। और प्रभास एक्टर अच्छा है लेकिन राम, लॉर्ड राम के रोल में वो भाई ज़रा भी सूट नहीं दिया होता है, मतलब लगता ही नहीं कि राम, लॉर्ड राम वहाँ पे है, वैसा ऐसा कुछ प्रेजेंस फील नहीं होता।
ठीक है। और अच्छी बात वो है म्यूज़िक, अजय अतुल का जो म्यूज़िक है ना भाई, एक नंबर म्यूज़िक है। जो गोज़बम्स दिलाता है वो बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक, ये दोनों चीज़ इतने मजबूत है ना भाई। और थोड़े फर्स्ट हाफ में विजुअल्स अच्छे अच्छे दिखते हैं, तो फर्स्ट हाफ के विजुअल्स अच्छे हैं, तो यस ये दो 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 तीन चीज़ें अच्छी है। कृति सेनन की भी एक्टिंग अच्छी है, तो बस ये दो तीन चीज़ें अच्छी है। और ये रावण भाई, रावण के 10 सिर यहाँ पे होते हैं पूरा एक लाइन में, और यहाँ पे तो ऊपर नीचे 5 ऊपर और 5 नीचे, तो मतलब यार थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन ठीक है चलो क्या बोले, अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करके यही कर दिया कि भाई क्लाइमेक्स मंजेरा डाल दो तो गलती छूट जाएगी मेरी। हम लोग का पर्सनल रिव्यू था, पर्सनल एक्सपीरियंस था, बस मूवी इतनी अच्छी लगी कि वो लोग का चश्मा भी लेके आ गया मैं। अभी मस्त अपन रजवाड़े की कटिंग मार ले, भाविक ने मार ली, भाभी का ग्लास उधर देखो पड़ा है, देखो ताजा ताजा ग्लास ख़त्म हुआ है अभी। और ये लड़के लोग को नहीं पीने का ये चाय, ये लड़के लोग को गर्मी लग रही है, गर्मी तो लग रही है लेकिन ये गर्मी में भी चाय पीने का अलग मज़ा है। नहीं यश, और मैं एक और अच्छी चीज़ बताना तो भूल ही गया कि मूवी में और क्या अच्छा लगा, वो है शरद केलकर का आवाज़, जो प्रभास का डबिंग किया था शरद केलकर ने भाई, जो ऐसे ऐसे डायलॉग्स वो बंदे ने बोले हैं ना भाई, गोज़बम्स आ रहे थे और एनर्जी भी आ रही थी जिस तरीके से उसने डायलॉग डिलीवरी किए। बाकी तुम लोग को कैसे लगा मूवी? अच्छा था मूवी, उसका कॉल आ गया बोल ने। तो बस यही था अपना आदि पुरुष मूवी का रिव्यू, तो चलो भाई सब लोग को इतना रखता, अगर आपको लोग अच्छा लगा वीडियो समझ रही यहाँ तक देख लिया, लाइक किया बिना मजा नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ स्टे